हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे कद्दू की सब्जी। एक गैस पर हमने कढ़ाई रख दी थी, उसमें हमने एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल दिए। तेल गर्म हो चुका है, उसमें हमने थोड़ा सा सरसों डाल दिया था। सरसों हल्का भुन गया था तब हम डाल देंगे कटे हुए कद्दू। कद्दू को हमने पतले पतले साइज में काटा है, आप चाहे तो मोटे साइज में भी काट सकते हैं। सारा कद्दू हमने डाल दिया है, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनेगा कद्दू की सब्जी। इसको 2 मिनट तक भूनने देंगे। तब तक इधर हमने लहसुन, मिर्ची और सरसों का पेस्ट बना लिए थे, और इसमें हमने थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। ये देखिए पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम चेक कर लेंगे सब्जी भुन चुका है कि नहीं। बस अच्छे से इसको चला देंगे, सब्जी को हल्का भून लेंगे कद्दू को, तभी हम उसमें पेस्ट डाल देंगे। लहसुन मिर्चा और सरसों को पीस कर ही कद्दू की सब्जी बनाए, उसमें डालकर तो बहुत ही टेस्टी बनता है। और फिर उसमें हल्दी पाउडर भी हमने डाल दिया था। सब्जी को एक बार फिर से चला देंगे कि सब्जी अच्छे से भुन चुका है। अब पेस्ट हम इसमें डाल देंगे जो रेडी किए थे। कद्दू की सब्जी ज़्यादा तीखा नहीं बनता है। इसमें हमने 4 मिर्ची, लहसुन और सरसों लेकर पीस लिए थे, उसका पेस्ट बना लिए थे, और हल्दी पाउडर आधा चम्मच डाल दिए थे, छोटी चम्मच। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। साथ में हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। अब इसे हम ढक देंगे कि मसाला अच्छे से भुन जाए। 2 मिनट बाद चेक करेंगे हम, कि 2 मिनट बाद हम चेक कर रहे हैं। मिक्स चला देंगे, अभी मसाला भुना नहीं है, हमें 2 मिनट तक और भुनना है। 2 मिनट बाद चेक करेंगे। कि मसाला भुन चुका है। अब इसमें हम आधा गिलास पानी डाल देंगे। आप चाहे तो कद्दू की सब्जी को गीला भी बना सकते हैं या सूखा भी बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो बना सकते हैं। हमने आधा गिलास पानी डाला है कि कद्दू पक जाए। ढक देंगे, 5 मिनट बाद चेक करेंगे। 5 मिनट बाद हम चेक कर रहे हैं। एक बार अच्छे से और चला देंगे। अभी कद्दू पका नहीं है, हमें और पकाना है। 5 मिनट तक ढक देंगे। 2 मिनट बाद हम चेक करेंगे सब्जी को, बार और चला देंगे। चेक करेंगे हम कद्दू पका है कि नहीं। कद्दू पक चुका है, ढक देंगे हम। गैस की फ्लेम हम तेज कर देंगे कि पानी सूख जाए। दो मिनट बाद हम चेक कर रहे हैं, ये देखिए पानी अच्छी तरह से सूख चुका है। आप चाहे तो गीला भी बना सकते हैं चावल के साथ खाने के लिए। पानी अच्छे से सूख चुका है, गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे। 10 मिनट बाद हम सब्जी को दिखाएंगे जब ठंडा हो जाएगा। 10 मिनट बाद हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम मिक्स कर लेंगे सब्जी को,
सब्जी अच्छे से ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है कद्दू की, आप भी ज़रूर बनाएं। एक कटोरे में हमने सब्जी को निकाल लिया, आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी बनी है। अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हम आपके लिए और भी रेसिपी लाते रहेंगे। अगर आपने भी कद्दू की सब्ज़ी बनाई है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी सब्ज़ी कैसी बनी है।